गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ हमारे 67वें देश में। अभी हम हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में हम जो है बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर आए थे और यहाँ पे रात को हमने एयरबीएनबी लिया था। तो दोस्तों अब करते हैं चलने की तैयारी, दन्नो रेडी कर ली। ये एयरबीएनबी है ना, हाईवे से 1.5 किलोमीटर अंदर है। तो अभी हमसे बाय बाय बोलते हैं इनको। यहाँ पे ओवन ओवन बनाया, लकड़ी से ही सारा काम करते हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये बिजली, ये लोग सोलर से और जनरेटर से काम चलाते हैं सब लोग। ये कल मेरे ड्रोन को पकड़ रहा था। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। इनके साथ में बहुत अच्छा सा शानदार सा टाइम स्पेंड करके हम निकल रहे हैं। रात को डिनर पे बातें करते रहे काफ़ी देर तक, पर बहुत अच्छा डिनर बनाया इन्होंने, वेजिटेरियन हो। ऐसी प्रॉपर्टी में रहने का तो एक अलग ही, मेरा तो मन कर रहा था 2-3 दिन रुक जाऊँ यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या है कि वीज़ा जो है सिर्फ 30 डेज का है हमारे पास में। यहाँ पे प्लांटेशन होती है, फार्मिंग होती है प्लांटेशन की। ये एक साइड में सफ़ेदा लगा हुआ है और पाइन, सफ़ेदा का साइंटिफिक नेम भूल गया मैं अभी। पहले सबसे बड़ी समस्या 1 किलोमीटर ये जो हाईवे तक बहुत हाइट पे हाईवे, ये नीचे बिल्कुल वैली में इनका एयरबीएनबी बना हुआ था। ये मेरी रात का स्टे था भाई, कल रात को मैं यहाँ पे रुका था इस जगह पे। चलो भाई हाईवे पे आ गए। ये देखो इस साइड में पाइन की खेती है सारी और इस साइड में सफ़ेदा है, फार्मिंग होती है यहाँ पे। बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं काटने के लिए, जेसीबी तो छोटी सी है उनके आगे। लो भाई सुबह सुबह ही वेदर ख़राब हो गया, बारिश का मौसम हो गया और आगे की हवा चल रही है। मेरी GoPro की बैटरी रह गई थी वहाँ पे, तो ये जो ओनर थे ना B&B के, वो मुझे स्पेशली देने आए कितने किलोमीटर। वाओ थैंक यू सो मच इनका। यहाँ पे पहुँच गया यार, पीछे ना 2 लड़के थे, फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहे थे, पर बाय चांस पीछे से गाड़ी आ गई तो वो भाग गए, तो बच गए यार। पहला एक्सपीरियंस जो है पहले दिन ही, दूसरे दिन ही अच्छा नहीं रहा यहाँ पे। और ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे रुका हूँ अभी, इससे पूछता हूँ। पेट्रोल पंप वाले ने भी ना, ये मतलब ये सुपरमार्केट है, ये गेट बंद कर रखा था, ये गेट मेरे लिए खोला है उसने, अंदर ही बैठा है भाई, तो बाहर खोल ही नहीं रहा। बोला अलाउड नहीं है, पुलिस मना करती है, खोलना नहीं है। लो भाई मैंने भाई से कॉफ़ी मंगवाई है। ये तो ठीक नहीं हो रहा यार, ऐसे तो फिर मैं, मेरा सारा कुछ ही छीन लेंगे ये लोग, तो क्या किया जाए क्या ना किया जाए समझ नहीं आ रहा। बगैर रुके नॉन स्टॉप जाऊँगा मैं, फिर वहाँ से मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा रूट लेना है कैसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पीछे सर पुलिस ने लिखा हुआ भी था कि आप रास्ते में रोकिए मत, तो सच्चाई थी तभी शायद पुलिस ने लिखा है। ये न्यू होलैंड ट्रैक्टर है, इसको पेड़ को काट के और उसको कलेक्ट करके और इसमें सिस्टम लगाया हुआ है, देखिए पूरा सिस्टम लगा रखा है, पेड़ कलेक्ट द ट्री, ये ऊपर से पेड़ गिर भी ना जाए तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी, और यहाँ पे भी देखिए तो सारा सिस्टम सेट कर रखा है। और ये 4x4 है, पाइन के पेड़ों की कटाई होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है इसको। गलती से यार मैं हाईवे नंबर 4 पे चढ़ गया, एक्सप्रेसवे है ये, तो अब मेरे को 2 गाड़ियां तो रोक के बोल गई हैं कि इस रोड पे साइकिल अलाउ नहीं है, तो देखते हैं। मैंने कहा कि नेक्स्ट एग्जिट में निकालूंगा, मिडल्सब्रा जो है वो यहाँ से 50-60 किलोमीटर रह गया। कैमरा मुझे बंद करना पड़ा था और बुरा हाल है भाई यहाँ पे सामान छीनने वालों का, तो यहाँ वीडियो बनाना तो जंग जीतने वाला काम है। एक कोई मिडल्सब्रा करके सिटी है उसमें पहुँच गया हूँ, 4 बज रहे हैं। ओह फॉर 2 पीपल, सो दैट वन इज़ फॉर 1 पीपल है, दैट वन इज़ फॉर कपल्स, दीज आर फॉर कपल्स। एंड यू एक्सेप्ट द कार्ड? आई नो नो, द ओनली रूम आई हैव आई थिंक, ऑल माय रूम्स आर फुल, आई हैव दिस वन आई थिंक। ओके ओके, गिव मी, नो प्रॉब्लम, आई पुट माय बाइसाइकिल हियर, नो प्रॉब्लम, या नो प्रॉब्लम। ये 400 मतलब सो ये 1600 रुपए में रूम है भाई। आई एम कमिंग फ्रॉम स्वाजीलैंड। यू आर कमिंग फ्रॉम स्वाजीलैंड? या
I'm going toward the Pretoria. Thank you. Thank you so much. Thank you. Sharp, sharp. भाई 400 में डील हुई है पक्की और धन्नो रेडी है और अब हम आगे जा रहे हैं. आज हम जोहान्सबर्ग की तरफ जाएंगे भाई, तो वो यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास है और कैसे कवर होगा मुझे खुद को नहीं पता, पर वहाँ पे एक बहन जी हैं वो शायद हमें रास्ते में से लेने आएंगे क्योंकि जोहान्सबर्ग की सिटी के अंदर अलाउ तो है पर सेफ नहीं है. तो यहाँ पे सेफ्टी गेम बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है आजकल, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप देखो कि घर के अंदर भी ग्रिल लगाई हुई है. ये देखिए मेन गेट हो गया, उसके बाद में ग्रिल लगाई हुई है. तो ऐसे ही सारी जगह ग्रिल लगी हुई है. धन्नो रेडी है. नींद अच्छी आ गई थी यार, टायर्ड था, 150-160 किलोमीटर राइड की हुई थी तो बड़ा थका हुआ सा था. सुबह 5-6 बजे तक भी ऐसे ही पब्लिक यहाँ पे घूम रही थी, बुरा हाल था. डिफाइन नहीं कर सकता मैं, अभी भी चीखें मार रही हैं, अभी आपको दिख जाएंगी. रोड के बाहर खड़ी होती है. अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ी कम हो गए हैं. देखा आपने रात को, तो पूरी गली भरी पड़ी थी. तो भाई इस शहर में रुका था मैं विट बैंक करके कोई जगह है. कल हम सिर्फ 40 किलोमीटर राइड करके आए थे, विट बैंक करके कोई जगह है वहाँ पहुँच गए थे और मिडसबर्ग से, और आते ही सो गया था यार, कुछ भी नहीं किया कल मैंने क्योंकि पीछे वाली रात में GoPro चार्ज नहीं किए थे तो आते ही सो गया था. और यहाँ पे जो हाल देखा रात को, जिस हिसाब से आवाज़ें आ रही थी, जो हाल था यहाँ पे सोच भी नहीं सकते. खैर अपने अपना देश, अपने अपनी सोच. तो अभी हमें आज यहाँ से 120-130 किलोमीटर जो है जोहान्सबर्ग रह गया. पहले मेरा प्लान था कि प्रिटोरिया जाना है, यहाँ से 90-100 किलोमीटर है और जोहान्सबर्ग थोड़ा ज़्यादा है. फिर मैंने अपना प्लान चेंज किया क्योंकि आगे आज है फ्राइडे, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी है, ये लॉन्ग वीकेंड है तो इस पे छुट्टियां हैं. तो इस वजह से मैंने अपना रूट चेंज कर लिया. तो मैं जोहान्सबर्ग जा रहा हूँ, वहाँ पे एक बहन जी हैं मन्नू और अनीता जी, तो उनका मेरे पास मैसेज आया हुआ था तो मैं उनसे मिलूँगा. हो सकता है वो रास्ते में ही मुझे लेने आ जाएँ क्योंकि इस रास्ते पर जोहान्सबर्ग सिटी के अंदर एंट्री जो है खतरे से खाली नहीं है, वहाँ पे सब कुछ छीन छान लेते हैं. जाना तो प्रिटोरिया था, प्रिटोरिया में एम्बेसी के काम, वीज़ा वगैरह के काम थे. तो 4 दिन अब प्रिटोरिया खुला नहीं है, छुट्टियाँ हैं, तो मैं 4 दिन उधर रहूँगा फिर प्रिटोरिया की तरफ जाऊँगा. साउथ अफ्रीका जो है टोटली यूरोप लगता है यार, बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है. और अभी भी मैं एक्सप्रेस वे पे चल रहा हूँ, शायद निकल जाऊँगा थोड़ी बहुत देर में. भाई पुलिस आई पीछे से और बोली कि हाईवे पे नहीं चलना, तो आधी किलोमीटर उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट करा और एक लिंक रोड था उससे अंदर भेज दिया. ये R555 हाईवे है कोई. यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है यार, और कोयले की खदानें हैं. कोयला इधर से लेके जाते हैं, यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं इस साइड में कोयला. ओगिस करके कोई जगह है ये, आगे कोयले की खाने हैं काफ़ी, तो इसलिए ब्लास्ट करते रहते हैं यहाँ पे, तो रोड कभी भी बंद करवा सकते हैं ये. चारकोल पड़ा है रास्ते के बीच में. सपार से कुछ ले लिया यार खाने को, ग्रीक सैलेड लिया है, दही ले लिया और थोड़ा दूध ले लिया, रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी. तो पानी लिया है यार आज, पानी यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मिल नहीं रहता कहीं पे भी. ये ग्रीक सैलेड है और मेरे पास वो तो है नहीं, कांटा वांटा तो हाथ से खाऊंगा इसको. यहाँ पे यूरोप स्टाइल में चीज़ बहुत खाया जाता है, यहाँ के लोग चीज़ बहुत खाते हैं. मेरा तो फेस काला कर दिया इन्होंने, कहते हैं ना कोयले की दलाली में मुंह काला, हाथ काले होते हैं, मुंह भी काला होता है. और ये फ्लावरिंग देखो कितनी मस्त है यार, साथ में ही थर्मल प्लांट लगा हुआ है. ये माइन है ना, 1-1 किलोमीटर लंबा पटा लगा रखा है इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए कोयले को.
दही है, योगर्ट, चम्मच तो है नहीं। हाँ, गर्मी सी हो गई है थोड़ी सी, पर इतनी गर्मी नहीं है, मौसम बड़ा मस्त है, पर हवा सामने की चल रही है तो तंग बहुत कर रहा है यार आज। So guys, हम पहुंच गए, मेरे ख्याल जोहान्सबर्ग से काफ़ी दूर है अभी तो, और मैं अपनी दोनों को गाड़ी में रख के अनीता जी और मनोज जी के साथ में जाऊँ, और ये प्रदीप जी हैं। कैसे हैं प्रदीप जी? एक्चुअली ये सब लोग इतना अच्छे से हिंदी नहीं जानते, इनका बर्थ यहीं पे हुआ है सब लोगों का, तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हमारा रहेगा, बट चला लेंगे काम। धनों को गाड़ी में फिट कर दिया। ये यू नो व्हाट, वी गॉट अ स्पिनच कॉल्ड खट्टी लोनी, आई डोंट नो इन, ओके खट्टी लोनी, सो या टेल मी, आई एम पुटिंग फॉर यू, या टेस्ट एंड देन यू कैन, दिस मग दाल आई गॉट इन ब्रेड एंड इन रोटली, सो व्हाटएवर, हियर्स अ टेपला, आई डिड बाय टू, या हैव मोर इफ यू वांट, यू कैन फिनिश ऑल आल्सो, डोंट स्ट्रेस। ब्रंच हो गया अब हमारा, और अब हम Thank you so much. No, welcome. Pleasure. Thank it's you for meeting honor. Us. Yeah, I mean. I was still telling her that I think he's going to go straight to Pretoria. You know, he's not going to meet us. उन्होंने तो special bag बना रखा है, उसके एक side में पूरा चाकू छुरी सब डाला है. It's only for. It's a cooler bag. Okay. I actually got it when we donated blood. अभी एक Buddhist temple है. दीदी और तो बोल रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट है, पर जाके देखते हैं, मुझे लगता है वो चाइनीज टेंपल होगा, बट लेट्स सी। यहाँ यार साउथ अफ्रीका के रोड हैं भाई, एक क्लास यार, मतलब ऐसे सुंदर और इतने प्यारे रोड मैंने ना, आपको सही बताऊं तो मैंने यूरोप में भी नहीं देखे। हम पहुंच गए मंदिर कैंपस में, और ये चाइनीज टेंपल है, कुछ साल पहले यहाँ दंगे हुए थे तो उसको ख़राब कर दिया गया था, तो फिर ये नया बना है। देखते हैं अंदर जाके एक बार, ये गाड़ी आपको यहाँ नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। ये अभी अंडर उसमें है, अभी बनी नहीं है, ये पूरा कलर होगा तो ये पेंटिंग ऐसी बना देंगे इसकी। ये दूसरा पार्ट है मंदिर का, यहाँ पे म्यूजियम, इट्स लाइक म्यूजियम और कल्चरल विलेज बनाया हुआ इन्होंने। इन स्टार्टिंग दिस मेन टेंपल वन, दिस वन एंड देन देयर ओके बम, दिस वन देन द बम, बम ब्लास्ट हुआ था उसमें 10 साल पहले। अंदर म्यूजियम में इन्होंने कुछ चीज़ें पुरानी रखी हुई थी, दी और बता रहे थे कि पहले ज़्यादा होती थी, अभी तो बहुत कम हो गई है, यहाँ पे जब एक बार लूटपाट हो गई थी उसके बाद में काफ़ी चीज़ें कम हो गई, और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो हम चलते हैं जोहान्सबर्ग।